तो हेलो दोस्तों, टेक मूवी में आपका स्वागत है। फिर से लेकर आए हम टॉप 10 मूवी जो कि हॉलीवुड का बहुत बेहतरीन और ख़तरनाक मूवी है। ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक करके एक कमेंट भी कर देना। और मेरे दोस्त, ये वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है और कौन कहाँ कौन सा स्टेज से देख रहे हो, ये वीडियो के देखने के बाद एक कमेंट कर देना कौन कौन कहाँ से देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि मेरा दोस्त कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ताकि दोस्त, ये चैनल को सपोर्ट भी करना होगा कि मैं और नया नया मूवी लेकर ऐसे टॉप 10 मूवी लेकर आ पाऊँ। आप सपोर्ट करोगे तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा दोस्तों, और मैं न्यू मूवी लेकर आ पाऊँगा। और ये सारे मूवी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। तो फिर चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए मूवी का लिस्ट का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी की लिस्ट नंबर 10 पर आती है 1984 में रिलीज हुई एक एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है ड्यून। लेकिन दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग ये मूवी को नहीं देखे हुए, क्योंकि ये 1984 का मूवी है। फिर भी दोस्तों, ये मूवी को आप ज़रूर देखना, क्योंकि और आपको पता लग सके कि 1984 में हॉलीवुड का लेवल क्या था। और ये मूवी बहुत ज़बरदस्त और कमाल की है दोस्तों। और मूवी के अंदर जो टेक्निक यूज की गई है उस टाइम के दौरान, वो आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों, और इस मूवी को ज़रूर देखना। और मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि 2021 में जो मूवी रिलीज हुई है इस कहानी के अंदर वो देखने को मिलेगा। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.8 out of 10। और दोस्तों, मूवी के लिस्ट में नंबर 9 पर आती है एक ऑस्कर विनिंग मूवी, और ये मूवी का नाम है द वेल। और इस मूवी को 2022 में रिलीज की गई, और ये मूवी ड्रामा नेगेटिव मूवी है दोस्तों। और मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक चार्ली नाम के एक इंग्लिश टीचर के बारे में दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा मोटा होता है और बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, और वो खा कर बहुत मोटा होता है और वो अपने मौत का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन चार्ली की आखिरी इच्छा ये होती है कि वो अपनी बेटी टीनल से मिल सके, और ये इच्छा पूरी हो पाती है या नहीं, ये किस तरह से होता है, ये मूवी का अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये मूवी को जरूर वॉच करना दोस्तों। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.8 out of 10। और 8 नंबर पे जो मूवी आती है उसका नाम है प्योर सेंजर, और ये मूवी एक्शन थ्रिलर से बनी हुई मूवी है। मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलता है तीन भाइयों की, जिसके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रहा है, और ये तीन भाई मेक्सिको के अंदर चोरी करने की डिसाइड करते हैं, और ये छोटी मोटी चोरी नहीं होती है। और ये तीनों भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस दौरान इनको करना पड़ता है बहुत बड़ी मुश्किल का सामना, क्योंकि कितने सारे खतरनाक लोग और पुलिस इनके पीछे पड़ चुके हैं। और आखिर तक कैसे अपने जान बचाते हैं और आगे क्या कुछ करते हैं, ये जानने के लिए मूवी देखना होगा। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक लाइक कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और हमारा 7th मूवी है ब्लड शॉट, और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई एक्शन और साइंस फिक्शन मूवी है। और ये मूवी के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है रेगुलेशन एक सोल्जर की, जिसके ऊपर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके ऊपर सुपर इम्यूनेशन डाल देते हैं, और फिर बार बार इस्तेमाल करते हैं उनके फायदे के लिए। लेकिन एक दिन रे को पता चल जाता है उन लोगों की हकीकत के बारे में, और वो निकल जाता है उनको सबक सिखाने के लिए और अपनी सच्चाई के बारे में जानने के लिए। ये सब कुछ रिक्स एरिसन कैसे करता है और इसके अंदर एक्शन हो जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। ये मूवी काफी खतरनाक है दोस्तों, और ये मूवी का IMDb रेटिंग 6.8 out of 10। और ये मूवी देखना चाहते हो तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर देख लो। 6 नंबर का मूवी है फायर क्लब, और ये 1990 में रिलीज हुई थी, और ये थ्रिलर ड्रामा से बनी हुई है। और मूवी के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलता है एक आदमी को नींद ना आने का बीमारी होती है, और उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही होती है, इसलिए वो टायलर नाम का एक आदमी के साथ कलब करता है, कि दरअसल एक केयरलेस सूट सेल्समैन होता है, और इसीलिए वो दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब खोलते हैं। लेकिन आगे चलकर ये चीजें उन दोनों के हिसाब से नहीं चलती, और इसीलिए वो दोनों बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर आ जाते हैं। आखिर क्या होता है उन दोनों के साथ, ये जानने के लिए मूवी का आपको देखना होगा। ये मूवी काफी कमाल का मूवी है और बहुत जबरदस्त मूवी है दोस्तों। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.8 out of 10, और ये मूवी काफी कमाल का मूवी है दोस्तों, ये जरूर देखना चाहिए आपको। नंबर 5 पर आता है जो मूवी, उसका नाम है घोस्ट इन द सेल,
और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई और इसके अंदर एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी के अंदर स्टोरी देखने को मिलती है मीरा की, जो कि साइबर ह्यूमन होती है। मूवी के अंदर मीरा को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है और उसे ये भी पता चल जाती है कि साइबर टेररिज्म को रोकना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को तबाह हो जाएगी। और वैसे भी मीरा आगे क्या करती है और क्या होती है ये जानने के लिए मूवी को देखना होगा, और मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.3/10। और दोस्तों कमेंट करना कि ये वीडियो कहां से और कौन से स्टेट से देख रहे हो। नंबर 4 पे आता है मूवी का नाम है ट्रॉल्स, और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई और ये मूवी फैमिली कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी देखने को मिलती है प्रिंसेस पॉपी की, उनके कई सारे दोस्त होते हैं और जिनके सारे ट्रॉल्स भी होते हैं, लेकिन एक दिन लोग ट्रॉल्स को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तब प्रिंसेस पॉपी को पता चलता है तो अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे प्रिंसेस पॉपी अपने दोस्त को बचा पाता है और इसके अंदर क्या एक्शन कॉमेडी होता है ये जानने के लिए पूरा मूवी देखना होगा दोस्तों, काफी अच्छी मूवी है। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.4/10। 3 पर आती है मूवी नाइट क्लाइवर, और ये मूवी को 2014 में रिलीज की गई क्राइम थ्रिलर मूवी है। हमें स्टोरी देखने को मिलती है लुइस ब्लू नाम के एक चोर को, जो कि छोटी मोटी चोरियां करके अपनी गुजारा करता है, लेकिन एक दिन उसको ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा करें ताकि वो बहुत पैसा कमा सके। उसको क्राइम सीन के बारे में याद आता है और वो क्राइम सीन का फोटो शूट करना शुरू कर देता है और सारे फोटो को इकट्ठा करके बहुत सारा पैसा भी कमाता है, लेकिन ये सब कुछ करने में उसकी ऐसी तैसी हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिक्शी वाला काम होता है। लुइस ब्लू किस हद तक जाता है और क्या कुछ करता है अपने काम के लिए, ये जानने के लिए पूरा मूवी को देखना होगा दोस्तों। का IMDb रेटिंग है 7.8/10। 2 पर आती है मूवी एनिहाइलेशन, 2018 में रिलीज की गई एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी के अंदर स्टोरी देखने को मिलता है अमेरिका की, जहां पर एक एलियन एसन आकर गिर जाता है और वो एलियन पूरी एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है और उस एरिया को अबेलिया लैक्स कहा जाता है, जहां पर कई सारे मिस्टीरियस और खतरनाक क्रिएचर होते हैं और उसके अंदर जो भी गया अब तक जिंदा लौट कर नहीं आया है। बीच हमें दिखाया जाता है एक सोल्जर को जो उसके अंदर जाकर गायब हो चुका है और उसे बचाने के लिए नीला नाम की एक बायोजेटिक उसके अंदर जाने की डिसाइड करती है, और आखिर उसे वहां पर जाने पर क्या कुछ पता चलता है और वो सोल्जर को लेकर आ पाता है कि नहीं, ये पूरा मूवी में आपको देखना होगा। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.8/10। नंबर 1 पर जो मूवी आता है बहुत खतरनाक मूवी जिसका अपने बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, मूवी का नाम है जॉन विक चैप्टर 4। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी फाइनली रिलीज हो चुकी है और ये बहुत ही जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है और फिलहाल इसका IMDb रेटिंग 8.6/10 है। और दोस्तों ये मूवी का स्टोरी बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये खतरनाक और बहुत जबरदस्त मूवी है, सबको ये मूवी के बारे में इंतजार था तो ये मूवी सबको पता होगा कितना खतरनाक और जबरदस्त मूवी होगा। फिलहाल ये मूवी अभी तक YouTube पर अवेलेबल नहीं है, आप ये थिएटर में जाकर देख सकते हो दोस्तों, और जब होगा तो टेलीग्राम में छोड़ देंगे और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाना दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही और बाद में लेकर आएंगे न्यू हॉलीवुड मूवी, तब तक एक वीडियो को लाइक करके कमेंट करना दोस्तों और कौन सा मूवी देखने को आपको पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों।